न तो मायावती का ट्विटर अकाउंट है न ही उनकी पार्टी बीएसपी का, दोनों ही फेसबुक पर भी नहीं है। लेकिन आजकल मायावती और उनकी पार्टी सोशल मीडिया पर धमाल मचाए हुए हैं। हाल ही में ट्विटर पर मायावती का हैशटैग घंटों पहले नंबर पर ट्रेंड कर चुका है। मायावती के माया के दर्शन अब सोशल मीडिया में भी होने लगे हैं। मीडिया से उनका 36 का रिश्ता रहा है, फेसबुक और ट्विटर से तो उन्हें नफरत जैसी रही, लेकिन अब वो इन्हीं पर झंडे गाड़ रही हैं। 11 सितंबर को सहारनपुर में मायावती की रैली थी और उस दिन मायावती नेक्स्ट यूपी सीएम ट्विटर पर घंटों पहले नंबर पर ट्रेंड करता रहा। सोशल मीडिया पर बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चल रहा है। नौजवानों की एक टीम ने मायावती और बीएसपी को सोशल मीडिया में हिट बना दिया। पार्टी इस समय सोशल मीडिया पे जा रही है और देखिए उनका जो वोटर है दलित, वो तो इंटेलेक्चुअल वोटर भी है, वो पढ़ा लिखा वोटर है। जो मायावती जी का यंग वोटर है वो पढ़ा लिखा है, तो नेचुरल है वो चाहती है उनसे मेरा कनेक्ट रहे, वो मेरा वोटर मेरे साथ जुड़ा रहे, तो उनको ये करना पड़ रहा है। बट मैं फिर कहूंगी कि उनको और खुल के आना चाहिए और तभी उसका उनको एक अच्छा एडवांटेज होगा। बीएसपी ऐसी इकलौती पार्टी है जिसमें कोई प्रवक्ता नहीं होता। आमतौर पर मायावती ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसमें वो किसी सवाल का जवाब नहीं देती। पार्टी या उसके किसी नेता का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट नहीं है, फेसबुक पेज भी कम ही नेताओं के हैं। लेकिन मायावती के समर्थकों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। यूट्यूब पर बहन जी के भाषण भी लाइव दिखाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया में मायावती और उनकी पार्टी का संवाद एक तरफा है। वैसे तो नरेंद्र मोदी से लेकर अखिलेश यादव तक सोशल मीडिया में अपनी बात कहते हैं और दूसरों की सुनते भी हैं। कई ऐसे मौके आए जब अखिलेश ने ट्विटर पे ही बड़े फैसले ले लिए और कार्रवाई भी हो गई। काश अगर मायावती भी ऐसा ही करती तो शायद उनकी और उनकी पार्टी की तकदीर और तस्वीर भी कुछ और होती और उनकी छवि भी कुछ और होती। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ।